Hello everyone, welcome to my channel Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan Goel and today we are going to start with the part 7 of chapter number 2, Acid, Bases and Salts. So, ये class 10 का chapter number 2 है, तो हम लोग इसका 7 part करने वाले हैं. Let's see what are the contents we are going to study under this chapter. तो अभी तक हम लोग इस chapter के एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो अब हम इसके थर्ड यानी कि लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सॉल्ट्स. तो चैप्टर का नाम डिफाइन करता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेसिस हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सो लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स एक आयनिक कंपाउंड्स हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसमें होती है बताइए मुझे, एसिड और बेस के साथ. तो जो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट. सॉल्ट बनाते हैं, साथ में क्या रिलीज होता है, वॉटर. तो हम लोग देख लेते हैं, जब HCl एक एसिड और KOH एक बेस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, वाटर साथ में सॉल्ट. तो सॉल्ट की फॉर्मेशन एसिड और बेस मिलकर करते हैं. तो सिमिलरली अगर आप सोडियम क्लोराइड जो है वो भी एक सॉल्ट है, वो किस तरह से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर बनता है, ठीक है. सो व्हाट आर सॉल्ट्स, तो दिस इज क्लियर. How it is prepared? It is prepared from the acid and base by a neutralization reaction. Then characteristics salt की बात कर लेते हैं, इसकी characteristic features क्या हैं? जो salt होता है वो crystalline solid होता है, ठीक है. Most of the salts जो हैं वो crystalline solid होते हैं. Transparent हो भी सकते हैं, colored भी हो सकते हैं. Water में वो soluble होते हैं. So इनकी ये ability है, वो water में soluble होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन देयर मोल्टन स्टेट. इट कैन बी सॉल्टी, इट कैन बी सॉर, इट कैन बी स्वीट, इट कैन बी बिटर, इट कैन बी सेवरी. सो इट हैज वेरियस टेस्ट, राइट. सो बट न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा ऑर्डरलेस रहेंगे, उसकी कोई स्मेल नहीं होती. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्ट. देन हम सॉल्ट के यूजेस पे आ जाते हैं. तो हम लोग सोडियम क्लोराइड सबको पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं. रोज हम लोग जब भी फूड कुक करते हैं, सो वी ऑलवेज यूज टेबल सॉल्ट. सो इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट और वेजिटेबल्स, अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें सॉल्ट डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो. देन सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, जब उसमें एनोड और कैथोड दो रॉड्स लगाई जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी करंट से पास किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम आयंस मिलते हैं और क्लोराइड आयंस मिलते हैं. तो इंडस्ट्री में इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके इस तरह से सोडियम और क्लोरीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है. और कौन से सॉल्ट हो गए, अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है, इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर, प्लांट फर्टिलाइजर्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है. देन मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम लोग एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, फॉर बाथिंग, एज अ बाथ सॉल्ट यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई हमारे सॉल्ट्स के यूजेस की, सॉल्ट्स होते क्या हैं और सॉल्ट्स के यूजेस क्या हैं, ठीक है. और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पढ़े. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स की. सॉल्ट्स की कितनी टाइप्स हैं? तो पहली टाइप है न्यूट्रल सॉल्ट्स. तो न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जिसका पीएच क्या है, 7. पीएच क्या है, 7. जब भी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में होती है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं. तो क्या बनाते हैं, 7 पीएच देते हैं. तो वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है. जो भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा. तो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वॉटर के अंदर आयंस में. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं
हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल रहता है, उसका पीएच हमारे पास 7 रहता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, NaOH और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा और वाटर टू रिलीज आउट, वाटर तो बनेगा ही बनेगा बिकॉज इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट हम बात यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट्स की कर रहे हैं तो पीएच 7 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, KCl। ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है, ये भी एक ऐसा सॉल्ट है जिसका पीएच 7 न्यूट्रल है और वाटर रिलीज आउट होता है। देन अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। सो एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है वो एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, वीक बेस यानी कि पार्शली डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू एसिडिक कंडीशन की तरफ ज्यादा होगी, यानी कि वो लोअर देन 7 रहेगा पीएच उसका। यानी कि जब जो चीज स्ट्रांग है वो अपनी तरफ खींचेगी ना, इस तरह से याद कीजिए, बिकॉज जब स्ट्रांग एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए आयंस में, और वीक बेस जो पूरी तरह से नहीं हुआ, पार्शियल हुआ, ठीक है, जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो ऑब्वियसली फॉर्म होगा बट उसका जो पीएच रहेगा वो 7 से कम रहेगा। ठीक है, तो जब NH4OH एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनेगा, ठीक है, सॉल्ट कौन सा, अमोनियम क्लोराइड बना, बट वाटर भी रिलीज हुआ, बट इसका जो पीएच है वो 7 से नीचे रहेगा। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट कब बनेगा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बट ये एक वीक बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं जिसका पीएच एसिडिक साइड पे रहेगा। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोला जाता है क्योंकि इसका पीएच 7 से नीचे रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक सॉल्ट की, ये थर्ड टाइप के सॉल्ट होते हैं, आप इसको समझ सकते हैं इसके नाम से, बेसिक सॉल्ट है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो फॉर्म होगा बट उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा रहेगा। तो कौन सी कंडीशन आ गई, बेसिक सॉल्ट्स की। सो स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट तो बन रहा है बट इसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर रहेगा। सिमिलरली सोडियम एसिटेट जब बनेगा, और कब बनेगा, जब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा बट इसका पीएच मोर देन 7 रहेगा, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। तो वो तीनों क्या होते हैं, इनको समझिए, इसको रिलेट कीजिए पहले वाली जो इंफॉर्मेशन हमने स्टडी की थी और उसकी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बताए थे वो क्या होते हैं और उनकी एग्जाम्पल्स आपको समझाई, ठीक है, ताकि इनका यूज हम आगे कर सके। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, सॉल्ट बनते कैसे हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस जो है उसको फुली न्यूट्रलाइज कर नहीं पाता क्योंकि उसकी आयंस पार्शियल आयनाइजेशन हुई है, तो जिसके कारण एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। पर जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वीक एसिड भी पार्शियल आयोनाइज हुआ है, वो भी कम्प्लीटली एसिड बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है। और जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, कम्प्लीटली रिएक्ट कर पाएंगे तो एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि हम लोग खाते भी। Then is chemicals from the sodium chloride. Sodium chloride से कौन से chemicals बनते हैं? पहला है sodium hydroxide. Sodium hydroxide एक strong base है. Sodium hydroxide एक strong base है. इसको caustic soda भी बोला जाता है. जब हम sodium chloride जिसको brine बोलते हैं, इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ये क्या बनाता है, ये तीन प्रोडक्ट्स देता है। एक तो हमें ये देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, डिकम्पोज हो गया ये, ऊपर से हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब क्लोरीन फॉर्म होगा और एक एल्कली फॉर्म होगा, यानी कि एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, क्लोरीन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट, ठीक है।
तो ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की, ये किससे बनता है, NaCl से। तो ये हम NaCl के फर्दर प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इंडस्ट्रियल यूज के थ्रू बनता है, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। अब इसके यूजेस देख लीजिए, जब हम ब्राइन के यूजेस देख रहे हैं, ठीक है, ब्राइन है क्या, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन बोलते हैं। इसका क्या यूज है, हाइड्रोजन गैस जो इसके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इसका क्या यूज आएगा, वो एज अ फ्यूल या फिर एज अ अमोनिया यूज होता है फॉर फर्टिलाइजर। उसके बाद क्लोरीन गैस जो बनी वो पीवीसी या डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे, पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज की जाती है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूजफुल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड ब्लीच। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, और इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, उससे ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। और इन प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल यूजेस भी हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके यूजेस भी आते हैं, इसके बारे में भी आता है, ये रिएक्शन भी आता है, तो ये आपको अच्छे से देखना है, समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है। देन हम आ जाते हैं कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस जो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। तो ये एक बेसिक पिक्चर मैंने इंडस्ट्रियल प्रोसेस की यहाँ पे दे रखी है कि किस तरह से ये NaCl है, ये वाटर में डाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी गई, यहाँ पे तो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होने शुरू हो गए, ये NaOH बन गया, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई और क्लोरीन ट्रीटमेंट से क्लोरीन गैस रिलीज आउट, ठीक है। तो इसके जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कॉस्टिक सोडा और ये वो सब चीजें बन जाती हैं, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इट्स अ क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्मड ऑफ द व्हिच इज फॉर्मड आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सो दीज आर अदर प्रोडक्ट्स व्हिच वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये बाकी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो सोडियम क्लोराइड के से बनते हैं। सो लेट्स सी कैसे बनते हैं इन द नेक्स्ट वीक। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमॉरो, बाय बाय, टेक केयर।